अपने प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जी हिंदुस्तान पर। प्रमोद गुप्ता को लेकर यही कहा जा रहा था कि जल्द ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इस सबके बीच आज आखिरकार उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और कल ही आपको बता दें कि मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। बाकायदा दिल्ली में उन्होंने बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया है और अब आज प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी के हो गए हैं, भाजपाई हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, बड़ी खबर प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने की, लगातार इसी को लेकर अटकलें चल रही थी और अब आखिरकार प्रमोद गुप्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, कल ही अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं। समाजवादी बहु मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और इस सबके बीच प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता मौजूद हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इनसे हम खास बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, ऐसी क्या वजह थी जो आप समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले आए? हमारे समाजवादी पार्टी में सन 80 से लेकर माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से आज तक पार्टी में रहा। पार्टी ने मुझे विधायक भी बनाया 12 से लेकर 17 तक, लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी का उदय हुआ है, उन्होंने मुलायम सिंह जी के जितने भी साथी थे बुरी तरह से अपमानित करके एक एक करके सबको भगाया। और जिस तरह माननीय मायावती जी ने काशीराम के लोगों को भगाया था, उसी प्रकार मुलायम सिंह जी के आदमियों को अखिलेश जी ने सपा से एक एक करके सबको भगा दिया। मुलायम सिंह यादव जी से बात हुई भाजपा में ज्वाइन करने से पहले, क्या उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? मुलायम सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, जीवर भर रहेंगे जब तक जिंदा हम हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत एहसान किया, लेकिन अखिलेश जी उनकी बात नहीं मानते। अखिलेश जी से दो बार मेरे लिए अपना के लिए नेता जी ने कहा, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जो ये राजनीति कर रहे हैं उनसे सारे लोग खिलाफ हैं। राम सेवक गंगापुरा जो मुलायम सिंह जी के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज उनको ये अपने पास बैठाने से भी नफरत करते हैं। ऐसे इटावा के हजारों लोग हैं जो अखिलेश यादव उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। प्रमोद जी, परिवार के और कौन कौन सदस्य हैं जो आपके टच में हैं, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं? ठीक ठीक प्रमोद जी, ऐसा और कोई है जो इस समय आपके टच में हो, जो भाजपा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहा है? 20 विधायक ऐसे हैं, इटावा के रघुराज साख हैं, शिव कुमार बेरिया जी हैं, सुखदेवी वर्मा जी हैं बरतना से, या शारदा शुक्ला जी हैं, सारे लोग जो है तैयार खड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इशारा किया तो जाने के लिए तैयार है। ये थे प्रमोद गुप्ता, जो मुलायम सिंह यादव के साढ़ू भी हैं और इन्होंने कई आरोप लगाए अखिलेश यादव पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 ऐसे विधायक हैं जिसको अगर बीजेपी इशारा करती है तो वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो तुषार को आप सुन रहे थे, मेरे सहयोगी तुषार ने लखनऊ में बात की है प्रमोद गुप्ता से। आपको बता दें कि प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के साढ़ू हैं, और प्रमोद गुप्ता ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया था कि कैसे अखिलेश यादव ने अपने ही पिता को बंधक बना रखा है। इस सबके बीच जो प्रियंका मौर्य हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और प्रियंका मौर्य कौन हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, प्रियंका मौर्य दरअसल कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं पोस्टर गर्ल हैं। आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहाँ पर करना चाहता हूँ, वैसे संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं,
उनके परिवार से समझी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्र वधु अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी है, और आज उनके साहू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साहू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से भेजें। एक बहन कहूं या बेटी, प्रियंका मौर्य 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया, और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है, और वह अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग 2022 के भाजपा के चुनाव अभियान को बल देने में और गति देने में करेंगे। दो तीन बातें इनके बारे में मैं और बताना चाहता हूं। फेसबुक में 3.5 लाख फॉलोअर, ट्विटर पर 7,000 फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 50,500 फॉलोअर, लिंक्ड इन पर 25,000 फॉलोअर के साथ प्रतिष्ठित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा व मानक के साथ एनजीओ का संचालन करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य आज भाजपा परिवार की सदस्य बनी। आदरणीय श्री किशन सिंह जी अटोरिया, जिन्होंने आईएएस 1984 बैच के आईएएस और एसडीएम से अपर मुख्य सचिव तक कार्य किया, और अंतिम तौर पर प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण लोक सेवा अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति ली, और उत्कृष्ट मानक के अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी इनके बारे में प्रशस्ति की बातें प्रमाण पत्र इनको दिए गए, और साहित्यिक और साहित्य सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान है। और उसका कारण है, मूलतः कवि पीढ़ी पहले राजस्थान के निवासी, वर्तमान में भगवान कृष्ण और राधा रानी की धरती मथुरा के निवासी, और इस पत लखनऊ के निवासी के रूप में।